अगर पाकिस्तान पहले घंटे में को पकड़ने में कामयाब होता है तो कल शाम तक ये टेस्ट मैच खत्म भी हो सकता है। हमें पांचवा दिन नहीं चाहिए भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेट्स यूट्यूब चैनल। अगर मैच देखा आपने, पाकिस्तान ने एक अच्छा कैप्चर किया मोमेंट, वो जो शाम का था कि जहां पे पाकिस्तान ने मैच को पकड़ा, जहां पे ड्यूसेंस और मार्करम खेलते थे, मुझे लगता था कि अगर ये आप पार्टनरशिप आज शाम तक सरवाइव करगी तो पाकिस्तान फंस जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने और स्पेशली यासिर शाह ने वो कर दिखाया जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी। यहाँ पे बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, सारा काम यासिर पे नहीं छोड़ना। यासिर शाह इज़ गोना बी अ स्टार फॉर टुमारो, बट हैविंग सेड दैट, बिफोर ही बिकम्स अ स्टार इसको यहाँ पे 5-6 विकटें अपनी लेनी पड़ेंगी और मनवाना पड़ेगा एक बार फिर कि ही वॉज द बेस्ट लेग स्पिनर दैट वी एवर हैड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, दूसरा अगर आप ये देखें कि साउथ अफ्रीकन की जानिब से एक बुरी क्रिकेट खेले, बुरी क्रिकेट इसलिए खेले कि उन्होंने आपको रन्स करवाए, आपको आके टेल अंडर से रन्स करवाए, उन्होंने आके आपको चांस दिया, आपकी लीड बढ़वाई। लीड जब बढ़ जाती है, लीड उतारते उतारते आपके आपके पसीने निकल आते हैं, क्योंकि लीड एक ऐसी चीज़ होती है जिसका प्रेशर हमेशा आप पे रहता है। अगेन थैंक्स टू फवाद आलम, अगेन फहीम अशरफ और अज़र अली कि जब पाकिस्तान 378 करने में कामयाब हुआ और प्रेशर में डाला, और दूसरा टेलेंडर्स का बड़ा बड़ा शुक्रिया क्योंकि उन्होंने रन्स को बढ़ाया, यासिर ने, हसन ने, बाकी नुमान ने तो चिप इन करते रहे। अगर ये ना करते तो 100 रन्स की लीड भी उतर जाती है और 75 रन्स की लीड उनकी हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका पकड़ा फंसा हुआ। पाकिस्तान नीड्स टू कम आउट रियली 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 हार्ड टुमारो मॉर्निंग एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे पाकिस्तान को पहला घंटा कैप्चर करना ही करना है, यहाँ पे उनको पकड़ना ही पकड़ना है साउथ अफ्रीका को, कि कोई ऐसा चांस ना दे, क्योंकि डिकॉक जो है वो स्ट्रोक मेकर है, वो कभी भी पहला दिन आएगा, पहले घंटे में वो सिलेट आएगा इनसे, वो स्वीपें मारेगा, वो ड्राइव खेलेगा और एट द सेम टाइम वो स्कोरिंग रन्स, स्कोरिंग शॉट्स खेलेगा। वहाँ पे पाकिस्तान ने पकड़ना, और अगेन फास्ट बॉलर्स के लिए मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ कि रिवर्स हो रहा है, प्लीज़ गो आउट देयर एंड रैप इट अप, रैप इट अप फॉर पाकिस्तान, बिकॉज यू नीड टू बॉल अ हैवी बॉल्स, यू नीड टू बॉल अ गुड रिवर्स इन स्विंगर्स, पर ट्रैप करें, रिवर्स स्विंग के लिए ट्रैप करना जरूरी होता है। फहीम अशरफ एक ही बॉल कर रहा, अंदर ला रहा, अंदर ला रहा, अंदर ला रहा, शेन शाह भी अंदर ला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नीड्स टू ट्रैप देयर देयर ओपोनेंट्स विच इज साउथ अफ्रीकन। अगर पाकिस्तान पहले घंटे में को पकड़ने में कामयाब होता है तो कल शाम तक ये टेस्ट मैच खत्म भी हो सकता है। हमें पांचवा दिन नहीं चाहिए भाईजान, और इसलिए नहीं चाहिए कि पाकिस्तान अगर 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करता है तो पाकिस्तान इज बैक विद द बैंग, और इसलिए बैक विद द बैंग क्योंकि एक बुरी सीरीज खेल किया है पाकिस्तान, और होम सीरीज में पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को फेंटी लगाता है और फेंटी 4 दिनों के अंदर लगाता है तो फिर इट इज़ गोना बी अ ग्रेट कमबैक फॉर पाकिस्तान टीम। अगेन डू सपोर्ट पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इन अ गुड पोजिशन। इफ पाकिस्तान मैसेज इज अप समहाउ इन फर्स्ट 2 hours, और खुदा ना हास्ता यहाँ पे 150 रन्स की लीड या 125 रन्स की लीड साउथ अफ्रीका ले गया, ये विकेट आसान नहीं है। यहाँ पे कराची में विकेटें चौथे दिन या पांचवें दिन ठीक नहीं खेलती, फंसती हैं वेयर एंड टेयर के साथ, तो मुश्किल पड़ सकती है। वी डोंट वांट टू सी एनी मैसअप और एनी क्लैप्स बाय पाकिस्तानी टीम, बट मेक श्योर गो आउट देयर इन अ फर्स्ट 1 hour ऑफ द मॉर्निंग, रैप इट अप, फिनिश इट ऑफ इन स्टाइल एंड जाके अपना मैच खत्म करें और हमारा दिन भी बचाएं। जी हम 5 दिन क्यों आगे एक्सपर्ट ओपिनियन दें आपको, 14 दिन खत्म करें। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर।